हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को युवा दिवस की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं, क्योंकि आज यानी 12 जनवरी को उस महान व्यक्तित्व का जन्मदिवस है जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन। जी हां, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय में, जिसका उद्देश्य है भारत को जानो और दुनिया को पहचानो। दोस्तों, वह भारतीय तो भारतीय है ही नहीं जिसने विवेकानंद को नहीं जाना, जिसने विवेकानंद को नहीं पहचाना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय युवाओं को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है स्वामी विवेकानंद। वह हर युवा के लिए एक आदर्श है। स्वामी विवेकानंद जी के एक भी आदर्श को अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो शायद ही हमें कभी हार का सामना करना पड़े। तो आइए चलते हैं उनके जीवन परिचय की ओर, तथा उनके जीवन से जुड़े ऐसे कई प्रसंग हैं जो आज भी हम भारतीयों को प्रेरणा देते हैं। भारतीय अध्यात्म और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, इस विचार से पूरी दुनिया को परिचित कराने वाले विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के एक प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ। उनकी माता प्रेम से ने विदेश्वर कहती थी, पर नामकरण संस्कार के समय उनका नाम नरेंद्रनाथ रखा गया। बचपन से ही नरेंद्रनाथ में विलक्षण प्रतिभा के लक्षण दिखते थे। एक तरफ वे अत्यंत ही चंचल थे तो दूसरी तरफ उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। 7 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें कृतिवास की बंगला रामायण याद हो गई थी। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे, किंतु नरेंद्र दत्त की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में भी गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु होने के पश्चात घर का भार नरेंद्र दत्त पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी, अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र दत्त उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कृपा से ही इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र दत्त परमहंस जी के शिष्यों में से प्रमुख शिष्य बन गए। वे अपने गुरु से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के पश्चात विवेकानंद जी ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। पहले तो उन्हें केवल 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था और फिर भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन विश्व के हर एक देश तक स्वामी विवेकानंद जी के कारण ही पहुंचा। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में की थी। इसका मुख्य कार्यालय बेलूर मठ में है। देश और विदेश में इसकी अनेक शाखाएं हैं। रामकृष्ण मिशन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जन सेवा। यह आपदा की स्थिति में पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा करता है। मठ के उद्देश्यों पर जोर डालते हुए विवेकानंद जी ने कहा था कि इस मठ को धीरे धीरे एक सर्वांग सुंदर विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करें। इसमें दर्शन शास्त्र तथा धर्म शास्त्र के साथ साथ औद्योगिक विषयों की भी शिक्षा देनी होगी। उनके अनुसार राष्ट्र की उन्नति उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में जनता के मध्य शिक्षा का प्रसार होगा। वे शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति के प्रभावशाली माध्यमों के प्रयोग पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद जी स्त्री पुरुष समानता के समर्थक थे।
वे कहते थे कि जिस तरह माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, उसी तरह उन्हें पुत्रियों को भी शिक्षित करना चाहिए, ताकि शिक्षित स्त्रियां भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी और स्वतंत्र तथा स्वाभाविक रूप से प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकेंगी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अति आवश्यक माना है। शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना करते हुए उन्होंने कहा कि जो शिक्षा प्रणाली जन साधारण को जीवन संघर्ष से जूझने की क्षमता प्रदान करने में सहायक नहीं होती, वो मनुष्य के नैतिक बल को, उसकी सेवा शक्ति का, उसके सिंह के समान साहस का विश्वास नहीं करती, वह शिक्षा भी क्या शिक्षा नाम के योग्य है। उनके अनुसार शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं: अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, मानव निर्माण करना, शारीरिक पूर्णता, चरित्र का निर्माण, जीवन संघर्ष की तैयारी तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ये सभी शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। विवेकानंद जी भारत की दुर्दशा से अत्यंत ही मर्माहत थे। वे एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना चाहते थे जो भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके। वे कहते थे, ऐ वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर राष्ट्र के कुछ विशेष गुणों के कारण अलग पहचान होती है। भारत राष्ट्र की विशिष्ट पहचान उसकी आध्यात्मिकता है। उनके अनुसार धर्म शिक्षा की आत्मा है। विवेकानंद की धर्म की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। वे धर्म अंतर्गत संप्रदाय विशेष को न मानकर नैतिक जीवन पद्धति को मानते हैं। उनके अनुसार मानव जीवन को यदि सफल बनाना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार जो मन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर बन जाओगे। इसलिए अपनी सोच को बदलो, परिस्थितियां तो खुद ब खुद बदल जाएंगी। यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप दूसरों के पास जाकर मेरी भी बुराई करते होंगे। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थाई है, पर केवल जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवित से अधिक मृत है। हर काम को तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। अतः हम सभी को जीवन में स्वामी विवेकानंद जी की इन तीन बातों को अमल में लाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं तथा एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सफलता के पथ पर अग्रसर हों।